Hello students, if you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notifications of my new videos. Thank you. So let's begin today's lecture. We will start with class 10, chapter 1, second part. In second part, we will study different types of chemical reactions. Basically, the one which are in your syllabus are the combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, double displacement reaction, and redox reaction. These four reactions you have studied in previous classes also. This one is your new topic, redox reactions. So let's start with the combination reaction. Let's have the recap of these four reactions. What is combination reaction? It is a reaction in which single product is formed from the combination of two or more reactants. Matlab jab do aur ya do se zyada reactants ho, वो आपस में कंबाइन करें केमिकली, ठीक है, तो उससे एक सिंगल जो प्रोडक्ट हमें मिलता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है इट कैन बी एक्सोथर्मिक, इट कैन बी एंडोथर्मिक, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन हो सकता है ये। नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज अ रिएक्शन इन विच ब्रेकडाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ये एक आपके पास कंपाउंड है, एक रिएक्टेंट होता है जो ज्यादा प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। होता समय यही है कि एक सिंगल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, सॉरी, एक वन सिंगल रिएक्टेंट इज डिवाइडेड इनटू या इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, राइट। सो यहां पर अब पहले आ जाता है फोटो डिकम्पोजिशन। यहां फोटो का मतलब है लाइट। दिस फोटो वर्ड इट मीन्स लाइट, मतलब जो लाइट की हेल्प से डिकम्पोज हो रिएक्टेंट, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लियर। नेक्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब है हीट, ठीक है, जो हीट की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीट, राइट। तो नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शन हो, डिकम्पोजिशन हो रिएक्टेंट्स की, ठीक है, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन विच अकर्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। फोटो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है ये कि आपका सिल्वर क्लोराइड है, जब उसको आप सनलाइट में रखते हैं इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सिल्वर एंड क्लोरीन, राइट। तो दिस इज अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप इट इज क्लियर। द नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें आपका कैटायन और अनायन जो होते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट और लेस रिएक्टिव एलिमेंट एक दूसरे की प्लेस ले लेता है, मतलब दे शिफ्ट द प्लेसेस, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए यहाँ पर, मोर रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सिंस क्लास 7, तो यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट, ठीक है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एग्जांपल लें इसका, तो जैसे आयरन इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो सॉरी, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, पहले मैंने गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन विल डिस्प्लेस दिस कॉपर एलिमेंट, ठीक है, और उसकी प्लेस ले लेगा, मतलब वो इसको निकाल देगा, यहां पर लग जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। तो नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच कैटायंस एंड एनायंस
in the reactant switch the places to form the products. Matlab, aapke do compounds given honge, unke jo cations or anions honge, they will switch their places. Theek hai? So, jaise yahan par agar hum example lein, sodium sulfate or barium chloride ka, to barium sodium ki jagah aa jayega and sodium barium ki jagah chala jayega. Right? So, next hai aapka redox reaction. ये oxidation reduction reaction भी इसको हम बोलते हैं. Redox मतलब यहाँ पर re का मतलब red का मतलब है reduction, ठीक है, और ox का मतलब है oxidation, ठीक है. जब ये दोनों reaction एक साथ हो तो हम उसको कहते हैं redox reaction. अब आ जाओ कि oxidation reaction क्या होते हैं. ये totally आपके लिए new है 10th class में. Oxidation reaction क्या होता है? It is defined as the addition of oxygen or removal of hydrogen. मतलब oxygen या तो add होगी, hydrogen या तो remove हो जाएगी. ठीक है, उसको हम बोलेंगे oxidation reaction. और जो compound, ठीक है, oxygen add करने में help करेगा या hydrogen को remove करने में help कर रहा है, उसको हम कहते हैं oxidizing agent. तो oxidizing agent क्या होगा? It is the one which gain the electron. मतलब जो electron को gain कर रहा है और hydrogen को reduce कर रहा है. ठीक है? Reduction reaction क्या होगा? It is defined as the reduction of oxygen. मतलब इसका बिल्कुल opposite होगा कि यहाँ पर जो oxygen है आपकी वो reduce हो रही है और addition किसकी हो रही है? Hydrogen की हो रही है. तो इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है. रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो आपका हाइड्रोजन को ऐड करवाएगा और ऑक्सीजन को निकालने में हेल्प करता है. राइट तो यहां पर अगर हम बात करें जो आपके वन मार्क क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपका अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा? फ्लोरीन होगा. ठीक है, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो वो क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा. ठीक है, यहां मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहां से आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो जाएगा और रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी क्लियर हो जाएगा. यहां देखो ये सी आपका कॉपर ऑक्साइड है. ठीक है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं. ये सिंबल हीट का होता है, हीट अप कर रहे हैं. तो आपके पास क्या रह रहा है? कॉपर रह रहा है और वाटर बन रहा है. ठीक है, यहां पर देखो आपका यहां से, ठीक है, ऑक्सीजन निकल गया, CuO में से O आपका निकल गया, अकेला Cu रह गया. तो ये रिएक्शन क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन. ठीक है, ये रिएक्शन क्या हुआ? रिडक्शन रिएक्शन. और यहां हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन के साथ यहां प्रोडक्ट में क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया. हमें एक कंपाउंड यहां देखना है रिएक्टेंट में और उसी के साथ प्रोडक्ट में क्या हो रहा है वो देखना है. उससे हमें पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, अब जैसे यहां हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया. ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन अगर इक्वेशन में फाइंड करना होगा तो आपको कैसे करना होगा? जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है या हाइड्रोजन मिल रहा है जिसके साथ, वो आपका होगा ऑक्सीडेशन. और जिससे में आपका वो होगा आपका रिडक्शन, जिसमें ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. ठीक है, और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन. क्लियर? तो इसमें आपके दो चीजें आ जाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? जो आपका ऑक्सीजन निकालने में हेल्प करेगा. ठीक है, अब यहां पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ ले रहा है, मतलब इसमें से वो ऑक्सीजन को निकाल रहा है. तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया? हाइड्रोजन. क्यों हो गया? क्योंकि उसने ऑक्सीजन को निकाल दिया. ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां कौन सा होगा? CuO होगा. जो भी दोनों एजेंट्स होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो आपके रिएक्टेंट्स में ही होंगे. ठीक है, तो CuO अपनी ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड करा रहा है. ठीक है, ऐड कर रहा है, तो वो क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो वो क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट.
क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, तो इस पूरे रिएक्शन को, बिफोर गोइंग फर्दर मैं ये चीज बता दूं, इस पूरे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। अब आगे आ जाओ क्रोजन। क्रोजन क्या होता है? मेटल्स पे लगता है ज्यादातर क्रोजन। इसमें क्या होता है? इसमें स्लो कन्वर्जन होती है मेटल्स की, ठीक है, जिसमें कि वो अपनी स्टेट मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि अगर आयरन में हम देखें कई बार होल्स हो जाते हैं तो हम कहते हैं उसमें करोजन हो गई, रस्टिंग हो गई है, ठीक है। तो उस टाइप से कि मेटल्स का करोड हो जाना, मेटल्स के ऊपर की लेयर का स्लो कन्वर्जन हो जाना इनटू सम अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं करोजन। क्लियर। दिस अकर मे बी ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मतलब कई रीजंस होते हैं करोजन होने के, ठीक है, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन होने की वजह से भी हो सकता है मेटल का, गैसेस के साथ भी रिएक्ट होने से हो सकता है मेटल्स का, एसिड के साथ रिएक्ट होने से भी हो सकता है मेटल्स का, ठीक है। तो व्हेन आयरन रिएक्ट्स, जब आयरन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, व्हेन आयरन रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, ठीक है, और एक रेड कलर की लेयर बन जाती है, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, कभी लोहे पे देखा हो तो, ठीक है, उसको हम कहते हैं रस्टिंग, ठीक है। तो रस्टिंग इक्वेशन क्या है? आयरन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, इसमें आपके ऑक्सीजन के मतलब अगर हम ये, आप ये ना देखें, सीधा ही आप ये इक्वेशन देखें कि जो आयरन ऑक्स हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसके साथ जब पानी रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो आपके पास ये रस्ट मटेरियल बन रहा है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, रेंसिडिटी क्या होता है? अब आपने देखा होगा कि अगर आप चिप्स लाते हैं, वो पैकेट आप खोल के रख देते हैं, स्पेशली जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वो एक अजीब सा टेस्ट देता है, अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। गर्मियों में हमारा फूड खराब हो जाता है अगर हम उसको रेफ्रिजरेटर में ना रखें, तो वो उस इफेक्ट क्या होता है? वो इफेक्ट होता है रेंसिडिटी, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है? व्हेन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर एक्सपोज टू द एटमोस्फेयर, मतलब एटमोस्फेयर के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, एटमोस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उसके साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मॉइस्चर के साथ उसका रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो जाती है फैट्स की और ऑयल्स की, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी। तो मतलब हमारा खाना खराब हो जाता है, ठीक है। मेथड्स क्या है रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए? कि हम कुकिंग ऑयल्स को डायरेक्ट सनलाइट से प्रिवेंट करें, ठीक है, मतलब कुकिंग ऑयल को डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में ना लाएं, ठीक है। फूड शुड बी प्लेस्ड एट लो टेम्परेचर, तभी हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कि टेम्परेचर हमारा कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। एक चीज याद रखना केमिस्ट्री में कि हाई टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, ठीक है, जितना लो टेम्परेचर उतनी ज्यादा लो रिएक्टिविटी। तो यही कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है, अगर हम उसको लो टेम्परेचर पे करेंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी फूड की विद ऑक्सीजन, एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, तो हमारा फूड कम खराब होता है, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स की वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें, वो हम अगर ऐड कर सकें फूड में तो भी प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। जो पैकेट्स होते हैं, जो आपने देखा होगा कि चिप्स के पैकेट्स में, आपके नमकीन बिस्किट नमकीन के पैकेट में आपके बहुत सारी उसमें गैस इन्फ्लेट होती है, ठीक है, तो वो जो गैस होती है इट इज नाइट्रोजन गैस, ठीक है, सिंपल एयर की बजाय उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है। नाइट्रोजन फैट्स एंड ऑयल्स को प्रिवेंट करता है टू रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। सो फ्राइड फूड्स में अगर हम नमक कम डालें तो भी हमारा फूड बच सकता है। तो आई होप टूडेज लेक्चर इज क्लियर। दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर वन, मतलब चैप्टर वन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो यहां पर आपका चैप्टर वन केमिस्ट्री का फिनिश होता है। थैंक यू।